ज्येष्ठ मास की अपरा तथा निर्जला एकादशी का महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा हत्या से दबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला परनिंदक था, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्री का आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र को दान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करे, द्वादशी को स्नान से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है।
एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में भी पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पूर्णे का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्मा हत्यारे शराबी चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल सैया सुंदर आसन कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध धूप पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसाराणवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय मा परमाम गतिम संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हरि।